हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमर कुकिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर हलवा रेसिपी बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1.5 किलो के करीब गाजर, 3 लीटर के करीब दूध लिया है। गाजर के हलवे में डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बाउल शुगर, ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मोटे साइज का ग्रेटर लेंगे और सभी कैरेट्स को हम ग्रेट कर लेंगे। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 नॉनस्टिक पैन। आप कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे मिल्क। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। अब हम मिल्क को 1-2 उबाल आने तक अच्छे से गरम करेंगे। दूध गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर। अब हम दूध और गाजर को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। गाजर के हलवे में बस यही ध्यान रखना है कि दूध नीचे तले पर ना लग जाए, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। 25 से 30 मिनट हो गए हैं हमें इसे चलाते हुए। गाजर और दूध आपस में बाइंड होना स्टार्ट हो गए हैं। 1.5 घंटा हो चुका है मुझे इसे चलाते हुए। देखिए, गाजर और दूध अच्छे से बाइंड हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हलवा ऑलमोस्ट पक चुका है। इस स्टेज पर आप 100 ग्राम के करीब इसमें खोआ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे खोए के बिना ही बनाएंगे। देखिए, जो हमने दूध इसमें डाला था वो खोआ ही बन चुका है, मावा बन चुका है, और गाजर का जो पानी है वो सारा रिमूव हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इनका टेस्ट और भी अच्छा आता है। सबसे पहले हम डालेंगे बादाम। बादाम को मैंने कट कर लिया है बीच में से, और डालेंगे काजू, इन्हें भी मैंने कट कर लिया है, और अब हम इन दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बादाम और काजू रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें किशमिश। अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए बादाम और काजू, और इन्हें अच्छे से हलवे में मिक्स कर देंगे। देखिए, हलवे ने पैन के किनारे छोड़ दिए हैं। देखिए, अब ये बिल्कुल हलवे की तरह बाइंड होना स्टार्ट हो चुका है। एक साइड पर देखिए, बिल्कुल पानी सूख चुका है गाजर का, दूध का मावा बन चुका है। अब हमारा गाजर का हलवा रेडी है। अब हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। हम गाजर के हलवे को सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 बाउल। अब हम बाउल में निकाल लेंगे ये गाजर का हलवा। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़े से किशमिश गार्निश के लिए। गार्निश के लिए हम डालेंगे ऊपर से थोड़े से कट किए हुए बादाम, किशमिश और डालेंगे काजू। देखिए, गाजर का हलवा कितना टेम्पटिंग लग रहा है, तो खाने में पूछिए मत ये कैसा होगा। अब गाजर का सीजन चल रहा है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। देखिए, हमारा सुपर टेस्टी और यमी गाजर का हलवा
विंटर स्पेशल रेसिपी रेडी है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी आज की गाजर के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।